यूज़ करते हैं, क्योंकि ये इट मीन्स कि जयपुर इट मीन्स वो थोड़ा सा गर्म वाला एरिया है जहाँ पे होने की हुई लग रहा है कुछ। काफ़ी बेहतरीन बनी हुई ये रॉयल लग। चलें बाहर की तरफ चल रहे हैं। स्मार्टफोन कैमरा और ये नाहरगढ़ है, इसको जयगढ़ बोलते हैं, उसी का रास्ता गेट है। और यहाँ से अंदर की तरफ चलते हैं। और काफ़ी बोला जाता है इसमें बहुत इट मीन्स की खजाना वाला किला। अब बिल्कुल ऊंचाई नाहरगढ़ के अंदर का, मतलब उधर बैठ के व्यू पॉइंट। ये चीज में लिए कैसा रख। ये देखो क्या ये पालक यहाँ रखी हुई लग रहा है कुछ। काफ़ी बेहतरीन बनी हुई ये रॉयल लग रहा है यार, बिल्कुल रॉयल गजब की जगह। बहुत बेहतरीन है इधर। इधर तो फोर्ट किला या। इन्हीं ऊपर बहुत। और ये महल का अंदर का नज़ारा काफ़ी बेहतरीन लग रहा है, गजब का महल। अरे राजसी ठाट बाट पहले के राजा लोग इसी तरह से बनवाते थे, गजब ऐसी ऐसी जगह बनवाते थे, इसीलिए इतना एक जगह इकट्ठा करके लोग बनवाते थे एकदम बेहतरीन जगह, और वहीं पर रहते थे। क्या महल है। इधर आए थे लोग, इतना बड़ा है कि घूमते घूमते पूरा सुबह हो जाएगा। राजशाही लग रहा है ये सब देखने में, वो उस टाइप का फीलिंग आ रहा है जो राजाओं वाले नहीं आते हैं यार। हम भी चले का दो ही दिन के लिए चले उन लोगों के टाइम पर, राजा बना दो हमको दो दिन के लिए, थोड़ा फील करें। नहीं कम से कम पुरोहित बना दे, इन्हीं दोनों के पास तो पावर रहती थी पहले। चलें बाहर की तरफ चल रहे हैं। ये गजब की जगह, इसको बावड़ी बोलते हैं स्पेशली। फोर्ट्स पे एक पॉन्ड बना के उसमें आई थिंक नीचे से पानी, जहाँ से भी पानी ला कर लोग कलेक्ट करते थे। या ये स्पेशली इसलिए होता था कि जैसे बारिश में जब बारिश होती है तो पूरे फोर्ट का एरिया से इसको रोड पूरा यहाँ से कनेक्ट होता है, जहाँ से वाटर आके यहाँ से इकट्ठा हो जाता है। और ये पूरे साल भर लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि ये इट मीन्स कि जयपुर इट मीन्स वो थोड़ा सा गर्म वाला एरिया है जहाँ पे हो नहीं पाता, तो ये काफ़ी बेहतरीन ढंग से इसको बनाया गया है। अब ये वाटर कलेक्शन का ही यू नो अबाउट दिस। काफ़ी गजब है तो बावड़ी बोलते हैं। तो कहते हैं पानी इसका बहुत बिल्कुल साफ है, तो पहले के समय में बहुत ज़्यादा साफ है, पूरा बारिश का पानी कलेक्ट हुआ है यहाँ से। और सामने का व्यू इधर देखते हैं, सही है भी एकदम बिल्कुल वही चीज़ है पानी को कलेक्ट करने के लिए। पूरा ये पूरा बरसात का पानी और काफ़ी साफ पानी, इसमें जाली इसीलिए है ताकि वो साफ़ सुथरा रह सके, बेहतरीन है। चल रहे उधर की तरफ, महल की तरफ, मेन महल की तरफ चल रहे हैं, देखते हैं कि उसमें क्या। तो जितना ये ढलान के थ्रू बना बना के ये सब सुरंग बना, जितनी भी बारिश होगी सब इसी के अंदर जाए कलेक्ट होकर, पूरा उसी के लिए बना है। हर तरफ का पानी जो कलेक्ट होकर वो जाली वगैरह, ये एक बार भी बारिश होगी तो काफ़ी पानी होता है। ये बेहतरीन तरीका है बारिश का पानी कलेक्ट करने के लिए। अरे महल की तरफ देखते क्या है,
श्री राघवेंद्र माधवेंद्र पड़ाव। माधवेंद्र भवन से ही माधवेंद्र भवन आगे की तरफ महल है और ये पूरा महल कह रही है। क्या फोर्ट्स हैं राजस्थान में, और बेसिकली यहाँ का जितना सब बना सब ढलान बन के नीचे की तरफ गया है ताकि पानी को अलट के जी। एक तोप लगा हुआ है, मेन महल अंदर वाला महल है, देखते हैं चल रहे अंदर क्या है। और मेन महल का गेट देखते हैं अंदर की तरफ क्या है, लेकिन बहुत बेहतरीन जगह, खतरनाक।